कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट। जो ने कैडेंस को मारने की कोशिश की क्योंकि कैडेंस ने जो को चीट किया था, जो ने बैग को भी मार दिया, बैग ने भी जो को धोखा दिया था। लव के मामले में जो श्योर होना चाहता है कि कहीं वो भी तो उसे धोखा नहीं दे रही, इसलिए तो आज वो उसे स्टॉक कर रहा है। इन सब के बाद जो पहुंचा है उस शख्स के पास जिसे उसने कैद करके रखा है। ये शख्स जो कि उसकी आईडी बनाने में हेल्प कर रहा था, पर जो ने उसे कैद क्यों किया ये अभी तक राज है। पर हाँ, वो किसी जेस्पर नाम के शख्स का नाम लेता है। वो कहता है कि उसने जेस्पर के $3,000 देने हैं। लव जब मार्केट में जो से मिलती है तब वो उसे अपने प्यार का इजहार करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसने आज डिनर पर जो को बुलाया है। फाइनली जो की जेस्पर से मुलाकात हो गई। जो उसे मिलकर कहता है कि वो पैसे लाया है, पर ये पैसे पूरे नहीं है। जेस्पर ने जो से पैसे तो ले लिए पर कहा कि ये पैसे तो कम है। उसने जो की एक उंगली काट दी और धमकाया कि बाकी पैसे भी उसे जल्द चाहिए। दरअसल जेस्पर को तो जो ने $3,000 दिए थे पर पैसों की रकम कहीं ज़्यादा है। जो गुस्से में उस शख्स के पास पहुंचा है जिसे उसने कैद किया है। यहाँ पता चलता है कि कर्जे की रकम $50,000 है। जेस्पर एक रशियन माफिया है। जो ने इस शख्स का नाम विल लिया है, यानी जो विल बनकर तो लॉस एंजलिस में रह रहा है पर असली विल को उसने कैद करके रखा है। असली विल कहता है कि उसे रूफस से $50,000 की अमाउंट लेनी है। जो रूफस को विल बनकर चैट करता है। रूफस ने उसे मिलने का समय दिया है। अभी थोड़ा वक्त है रूफस से मिलने में। तब तक जो लव को भी स्टॉक कर रहा है कि आखिर लव की पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है। तभी यहाँ जो को बैग दिखती है, पर इसके बाद ही बैग गायब हो जाती है। रूफस से मिलने जो पहुँचा है इस लोकेशन पर। यहाँ उसे डेलिया मिल जाती है, पर जो को तो रूफस से मिलने जाना है। फाइनली रूफस उसे मिल ही गया। रूफस कहता है कि तुम विल नहीं लगते, ऐप में जो फोटो है वो तुमसे मैच नहीं करती, क्या तुम वाकई में विल हो। जो कहता है कि वो विल का आदमी है। रूफस ने यहाँ जो को एक पैकेट दिया, पर ये $50,000 नहीं बल्कि पिल्स हैं। जो इसे लिए असली विल के पास पहुँचा है। जो यहाँ विल पर गुस्सा होकर कहता है कि मैं तुम्हें जेस्पर के हवाले कर दूंगा, तुम मारे जाओगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। शाम को जो से मिलने लव आई है। आज लंच पर जो नहीं आया, इस बात पर लव नाराज है। जो कहता है कि वो बिजी था। लव इसके बाद इमोशनल भी होती है। वो कहती है कि उसके हस्बैंड ने दुनिया छोड़ दी, उसे अकेला छोड़ दिया। वो यहाँ जो से प्यार पाना चाहती है, पर तभी जो के सामने बैग की छवि आती है। जो डर के मारे लव को पुश कर देता है। लव इस पर जो से नाराज होकर चली गई। लव के जाने के बाद बैग आती है। वो जो से कहती है कि फिर से तुम वही करने वाले हो जो मेरे साथ किया था। जो कहता है कि वो कोई किलर नहीं है, पर उसके साथ ये सब हो जाता है। इन सब के बाद जो ने जेस्पर को वहाँ बुलाया है जहाँ विल कैद है। जेस्पर यहाँ जो से कहता है कि असली विल को रिलीज कर दो। इन सब में वो जो पर हमला करता है, पर जो ने डिफेंस में जेस्पर को मार दिया। उसकी लाश को लपेटता है। यहाँ भी बैग आ जाती है। जो कहता है कि उसने जानबूझकर इसे नहीं मारा। बैग कहती है कि तुम कभी किसी को जानबूझकर नहीं मारते, मैं तुम्हें हॉन्ट करती रहूँगी। जो उससे कई बार माफ़ी मांगता है, पर बैग यहाँ से चली गई। अब जेस्पर की लाश को ठिकाने लगाना है। जो ने लाश के कई टुकड़े कर दिए हैं। इधर लव एक चिकन डिश बना रही है जबकि जो लाश के टुकड़े करने में लगा है। जो लव के पास पहुंचा है। लव अभी भी उससे नाराज है। जो उसे मनाता है और कहता है कि उसे रिलेशनशिप से डर लगता है। लव कहती है कि रिश्ते तो होते ही हैं डरावने, पर वो जो की हर प्रॉब्लम में हेल्प करेगी। अब जो ये कैसे बताए कि वो कहाँ फंस गया है। उसकी प्रॉब्लम कोई भी इंसान सॉल्व नहीं कर सकता। बाद में जो विल के पास जाता है। जो बताता है कि उसने जेस्पर के पैसे चुका दिए हैं, अब विल को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में लव जो को एडवाइस करती है कि जो को अपनी एक्स को गुड बाय लिखकर उसे जला देना चाहिए। जो एक कागज़ पर गुड बाय लिखता है और फिर इसे जलाता है। अब जो को अच्छा महसूस हो रहा है, पर इस कहानी में अब क्या होने वाला है। जेस्पर की लाश के टुकड़े एक एक करके जो ठिकाने लगाता जा रहा है, पर ये मौत का सिलसिला कब तक चलेगा। जो की लाइफ में चैन नसीब होगा या नहीं, इन सब सवालों के जवाब हमें अगले हिस्से में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।